अब देखिए आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं उसे किस चीज़ किन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की और पानी की। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे मनुष्य, ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल अदर लिविंग थिंग्स यानी इसके अलावा जो भी, जैसे मनुष्यों को तो ज़रूरत होती है भोजन की और पानी की, इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं थिंग्स हैं जिन्हें क्या होती हैं, पौधे और जिन्हें भोजन की और पानी की ज़रूरत होती है। ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल अदर लिविंग थिंग्स इसके अलावा और सभी जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं उन्हें भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट लीव विदाउट फूड एंड वाटर। दे कैन नॉट, दे मीन्स वे, कैन नॉट मतलब नहीं सकते, दे कैन नॉट लीव यानी वे क्या हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। विदाउट फूड, विदाउट मतलब के बिना, भोजन, फूड मीन्स भोजन एंड वाटर मीन्स पानी एंड मीन्स और। दे कैन नॉट लीव, वे नहीं रह सकते हैं, खाना यानी भोजन और पानी के बिना वो क्या हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे कैन नॉट लीव विदाउट फूड एंड वाटर यानी वो भोजन और पानी के बगैर के बिना नहीं रह सकते। यू मस्ट हैव सीन दैट अ प्लांट विदर्स। यू मस्ट हैव सीन यानी आप ये देख चुके होंगे, दैट कि अ प्लांट विदर्स, विदर्स मीन्स क्या होता है, मुरझा जाना। ठीक, एक पौधा क्या होता है, एक पौधा क्या होता है, प्लांट मीन्स पौधा, एक पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। कब मुरझा जाता है, वेन इट इज नॉट वाटर्ड, जब हम उसे क्या करते हैं, पानी नहीं देते हैं, जब हम उसे पानी नहीं देते हैं तो वो क्या होता है, मुरझा जाता है। फॉर अ फ्यू डेज, हम उसे क्या, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर मीन्स के लिए और मीन्स एक, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मतलब दिनों, कुछ दिनों के लिए जब हम पौधों को पानी नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे जब हम उन्हें पानी ही नहीं देंगे तो वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट अ प्लांट विदर्स यानी आप देख चुके होंगे, देखे होंगे कि पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, व्हेन इट इज नॉट वाटर्ड, फॉर अ फ्यू डेज, जब हम उन्हें कुछ दिनों के लिए पानी नहीं देते हैं तब। एंड द सेम प्लांट रिगेन्स फ्रेशनेस एज सून एज इट इज वाटर्ड यानी कि अब क्या है, जैसे ही हमने एक पौधा लिया उसमें हमने पानी डाला, पानी नहीं डाला कुछ दिनों तक, तो वो क्या हुआ, मुरझा गया। उसी तरह हम एक और एग्जांपल के लिए दूसरा पौधा उसी में का सेम पौधा एक लेंगे, ठीक है। एंड द सेम प्लांट रिगेन्स फ्रेशनेस एज सून एज इट इज़ वाटर्ड, अब हम उसी तरह एक और पौधा लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कह रहे हैं उसमें पानी डालते रहते हैं, जब हम एज सून एज, जैसे ही उसमें हम पानी डालेंगे, जैसे ही उसमें हम, इट इज़ वाटर्ड, जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, फ्रेश रहेगा, मुरझाएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए पौधों को भी पानी की, भोजन की ज़रूरत होती है, जब हम उन्हें पानी देते हैं तो वो फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, जब हम उनमें पानी नहीं डालते हैं तो वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। इफ़ अ प्लांट इज डग आउट, डग आउट मतलब खोद कर पेड़ों को निकाल लेना, ठीक। इफ़ अ, यदि, इफ़ मीन्स यदि, अ प्लांट मीन्स एक पौधा, इज डग आउट फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम मीन्स से, सॉइल मीन्स मिट्टी, जब हम एक पौधे को क्या करते हैं, डग आउट यानी खोद कर बाहर निकाल लेते हैं, किससे, मिट्टी से खोद कर क्या करते हैं, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, जब हम उसे बाहर निकाल लेते हैं,
and is transplanted into a bucket full of water. Transplanted का मतलब होता है पौधों को उखाड़ कर एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या फिर निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना, रखना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेड कहते हैं, एक पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, एक प्लांट को क्या करते हैं, डग आउट करते हैं, उखाड़ते हैं, मिट्टियों से उखाड़ लेते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, एंड इज़ ट्रांसप्लांटेड इंटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर। बकेट फुल ऑफ वाटर मीन्स, बकेट मीन्स बाल्टी, ठीक है, फुल ऑफ वाटर यानी पानी से भरी हुई एक बकेट ले लेते हैं, ठीक। उसमें हम क्या करते हैं, पौधे को डाल देते हैं, यानी मिट्टियों से उखाड़ कर पौधे को हम क्या करेंगे, एक बकेट में डाल देंगे और उस बकेट में पूरा पानी भर देंगे। इट स्टार्ट्स विदरिंग, विदरिंग यानी मुरझाना। वो क्या होता है, दिन ब दिन देखोगे आप कुछ दिनों बाद जब उसे हम पानी में डाल देंगे, मिट्टी से निकाल कर उसे हम पानी में, खाली पानी में डाल देंगे, वो धीरे 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 मुरझाने लगेगा। इट स्टार्ट्स विदरिंग यानी वो कैसे, उसकी शुरुआत क्या हो जाएगी, यानी मुरझाना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट मीन्स शुरुआत, यानी उस विदरिंग मीन्स मुरझाना, यानी वो मुरझाना शुरू हो जाता है, ठीक। व्हाई डस इट हैपन, अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसमें हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इन दिस केस यानी जब ऐसा कुछ होता है, इस केस में क्या होता है, द प्लांट डज नॉट गेट फूड, यानी द प्लांट डज नॉट गेट मीन्स प्राप्त करना, फूड मीन्स भोजन, यानी जो हमारा पौधा होता है वो क्या करता है, भोजन प्राप्त नहीं कर पाता। ये किस लिए होता है, किस वजह से होता है कि हमारा पौधा मुरझाने लगता है, हम उसको फुल ऑफ वाटर वाली बकेट में हम क्या करते हैं, जब हम उसे ट्रांसप्लांटेड करते हैं, डालते हैं, तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पौधा क्या होता है डज नॉट गेट फूड, वो भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, उसे पानी मिलेगा, भोजन तो मिला नहीं, वो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो मुरझाता कैसे है, उसे क्या होता है, भोजन नहीं मिलता, दैट इज़ वाई इट विदर्स, इसी वजह से वो क्या होता है, मुरझाने लगता है, ठीक है। नन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, अब देखिए जो लिविंग थिंग्स होती है उसको तो पता ही है आपको, अभी मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, फूड और वाटर बहुत ज़रूरी होता है और उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग्स को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा, नन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड, नीड मीन्स ज़रूरत, जो हमारी निर्जीव चीज़ें होती हैं उन्हें क्या होती है, ज़रूरत नहीं होती है, किसकी, भोजन की और पानी की, निर्जीव चीज़ों को भोजन और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं उनमें क्या होती हैं, सांसें, वो सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं उनमें क्या होती हैं, सांसें होती हैं, ठीक, वो सांस लेते हैं। फॉर ब्रीथिंग यानी सांसों के लिए, ठीक, जो हमारी सांस होती है, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर एयर, सांसों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हवा की, ठीक है। सांसें, हम सांसों को किसकी ज़रूरत होती है, सांसें क्या रिक्वायर करती हैं, क्या उन्हें चाहिए होता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सांसों के लिए, तो दे रिक्वायर एयर, वे क्या रिक्वायर करती हैं, हवा, एयर, ठीक है, एयर मीन्स हवा। इफ़ द सप्लाई मतलब जैसे हम पानी को सप्लाई करते हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम सप्लाई करना कहते हैं, ठीक है।
इफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी हवा का, यदि हवा का जब हम सप्लाई क्या करते हैं, इज स्टॉप टू लिविंग थिंग्स, इज स्टॉप यानी क्या करते हैं, हवा का सप्लाई क्या करते हैं, रोक देते हैं, हवा का सप्लाई रोक देते हैं। टू द लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों में, जीवित चीज़ों में जब हवा का सप्लाई हम रोक देते हैं, दे विल डाई, वे क्या होती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एक बहुत पैक कमरे में, जहाँ पर कहीं भी विंडो ना हो, बिल्कुल पैक हो, कहीं से भी एयर अंदर ना जाती हो, या कोई कांच का बाउल हो, कांच का एक्वेरियम हो, उसमें अगर हम बिल्कुल भी कहीं से भी ज़रा सा भी होल ना हो, उसमें हम किसी भी चीज़ों को, कोई भी जानवर को, छोटे से जानवर को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मछली को अगर हम डाल दें, ना उसमें पानी है, ना उसमें हवा है, बिल्कुल पैक है, तो वो क्या हो जाएंगी, उन्हें एयर नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगी, मर जाएंगी, बहुत जल्दी तुरंत मर जाएंगी वो, क्योंकि उन्हें एयर की, हवा की बहुत ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला है फॉर ब्रीथिंग, सांसों के लिए दे रिक्वायर एयर, यानी हवा की ज़रूरत होती है। इफ़ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी जब हम हवा का क्या करते हैं, सप्लाई क्या करते हैं, इज स्टॉप, रोक देते हैं। टू द लिविंग थिंग्स, यानी जीवित चीज़ों में, दे विल डाई, वे क्या होती हैं, मर जाती हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू द पोर्स ऑन दियर लीव्स, प्लांट्स ब्रीथ, यानी जो पौधों की, पौधे जो होते हैं, उन वो सांसें क्या करते हैं, थ्रू मीन्स किसी के द्वारा। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो किसके द्वारा सांसें लेते हैं, द पोर्स ऑन दियर लीव्स, यानी पोर्स यानी जो उसके रोम छिद्र होते हैं पत्तियों के, उनके द्वारा वो क्या करते हैं, सांसें लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स ऑन दियर लीव्स, वो अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, सांसें लेते हैं। वाइल्ड, जबकि अदर लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जबकि अदर लिविंग थिंग्स यानी पौधों के अलावा जो अदर लिविंग थिंग्स हैं, जैसे मनुष्य, लाइक मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, जैसे लाइक मीन्स जैसे, जैसे मनुष्य, जानवर, एनिमल्स, जानवर एंड और बर्ड्स मीन्स पक्षी, ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़ा, हमारी बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, तो जो अदर लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे जानवर, पक्षी, मनुष्य, ये सब किसके द्वारा सांसें लेते हैं, अपने लंग्स के द्वारा, अपने फेफड़ों के द्वारा सांसें लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के पोर्स के द्वारा सांसें लेते हैं, रोम छिद्रों के द्वारा सांसें लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सब किसके द्वारा सांसें लेते हैं, अपने फेफड़ों के द्वारा सांसें लेते हैं, लंग्स, अपने फेफड़ों के द्वारा सांसें लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ कोर्स डू नॉट ब्रीथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे मेज हो गया, टेबल हो गया, जिनमें जान होती ही नहीं, जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें वास्तव में क्या होता है, सांस लेने की ज़रूरत होती ही नहीं, उन्हें ब्रेथ की कोई ज़रूरत नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ कोर्स डू नॉट ब्रेथ, वो क्या होते हैं, सांसें नहीं लेते हैं। ओके, इसके आगे देखिए, यहाँ पर एक हमारे छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसे आप घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज दैट, टेक अ फ्लावर पॉट एंड कवर इट विथ अ ग्लास जार इन सच अ वे दैट नो एयर कैन इंटर इट। यानी कि आपको एक क्या करना है, एक फ्लावर पॉट लेना है, एक ऐसा गमला लेना है जिसमें आप फ्लावर्स लगे हुए हों, पौधे लगे हुए हों, एंड कवर इट विथ अ ग्लास जार, और इसे आप एक शीशे के जार से क्या करेंगे, कवर करेंगे, इसे पूरा ढक देंगे। आप गमला लेंगे, उसके अंदर देखिए पौधा लगा हुआ है। ठीक
ठीक, उसको हम क्या करेंगे, एक शीशे की जार से क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक, कवर्ड कर देंगे इन सच अ वे। इस दौरान आप क्या देखेंगे, नो एयर कैन इंटर इट, नो एयर यानी एयर मीन्स हवा, कोई भी हवा इसके अंदर क्या करेगी, एंटर नहीं करेगी, अंदर इसके अंदर नहीं जा पाएगी। जब आप इसे कवर्ड कर देंगे, इसके अंदर कोई भी हवा नहीं जाएगी। एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर प्रूफ किया जा रहा है, एक तरीके से साबित किया जा रहा है कि देखिए हमने जब इसे कवर्ड कर दिया, देखिए कहीं से भी एयर इसमें नहीं जा रही है, ठीक। अब इसको ऐसे ही क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए कब तक करना है, आफ्टर 4 or 5 hours, 4 से 5 घंटे आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कवर्ड करके, ठीक। यू विल नोटिस दैट द फ्लावर विदर्स, यू विल नोटिस दैट यानी आप 4-5 घंटे बाद जब इसे देखेंगे, नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा फ्लावर है वो क्या होगा, विदर्स यानी मुरझा जाएगा। हमने इसे शीशे की जार से कवर्ड कर दिया था, जब 4-5 घंटे ये कवर्ड था, उसके बाद हम जब अपने फ्लावर को देखने जाएंगे, ओपन करेंगे, इस जार को हटाएंगे, तो देखेंगे हमारा जो पौधा है वो क्या होगा, हो जाएगा, मुरझा जाएगा। वाई डिड इट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ। द प्लांट विदर्ड ड्यू टू लैक ऑफ एयर, द प्लांट विदर्ड, हमारा जो पौधा था क्या हो गया, मुरझा गया, ड्यू टू यानी दौरान, किसके दौरान, लैक ऑफ एयर, लैक मीन्स होता है कमी और एयर मीन्स हवा, हवा की कमी के कारण ये क्या होता है, मुरझा जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट, यानी इस एक्सपेरिमेंट को जो हमने किया, प्रैक्टिकल जो हमने किया, इससे हमें क्या पता चला, इसने हमें क्या बताया कि इवन प्लांट्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग, यानी कि पौधों को हरा भरा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, ठीक। इवन प्लांट्स नीड एयर, ठीक, किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक, पौधों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। जब हम इसमें हवा नहीं देंगे, इसको हवा नहीं देंगे, ये क्या होगा, मुरझा जाएगा। Does the pot also wither? यानी जो हमारा ये जो pot है, क्या ये भी मुरझा गया? Does the pot also wither? क्या ये भी मुरझा गया? No, नहीं, because it is non-living. क्योंकि ये देखिए हमारा जो शीशा है, ये क्या है, non-living things है, ये हमारा शीशा non-living things है, इसलिए ये मुरझा नहीं सकता। ये हमारा इसलिए मुरझा गया क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, हमारा पॉट क्या है, जो फ्लावर पॉट है, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारे टॉपिक क्या है, ऑल Living produce, all living things produce, जितनी भी जो living things होती हैं वो क्या करती हैं, reproduce करती हैं, यानी क्या करती हैं, किसी भी संतान को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, एक तरीके से जो हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक, संतानों को जन्म देती हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स गिविंग बर्थ टू न्यू वंस, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन करना, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मीन्स गिविंग बर्थ टू न्यू वंस, इसका मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ ये क्या करती है, पैदा करती है, टू न्यू वंस यानी एक युवा पीढ़ी, एक रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी हम इसमें क्या होता है, हम एक न्यू वंस को यानी एक युवा को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक। आगे आपको समझ में आएगा, यू मस्ट हैव सीन द नेस्ट,
यू मस्ट हैव सीन द नेस्ट. नेस्ट मीन्स होता है घोंसला. आपने घोंसले को तो देखा ही होगा. ऑफ बर्ड्स, किसके चिड़ियों के घोंसलों को आपने, पक्षियों के घोंसलों को आपने देखा होगा, जैसे पीजन का घोंसला हो गया, क्रो का घोंसला हो गया, इटीसी, यानी और सारे पक्षियों का भी आपने कई सारे पक्षियों के घोंसलों को देखा होगा. इसमें क्या होता है, इन दीज नेस्ट, यानी इन घोंसलों में क्या होता है, दे हैच दियर एग्स. ठीक, ये क्या करते हैं, अपने अंडों, ये अपने अंडों में से क्या करते हैं, निकालते हैं. अंडों में से निकलने को क्या कहते हैं, हैच. हैच मीन्स अंडे में से निकलना. ठीक, हैच दियर एग्स, अपने अंडों में से ये क्या करते हैं, बच्चों को निकालते हैं. ठीक है, फ्रॉम दीज एग्स यंग ऑफ दीज बर्ड्स केम आउट. फ्रॉम दीज एग्स, यानी इन अंडों में से, इन अंडों में से क्या होता है, बर्ड्स केम आउट, एक चिड़िया, एक एक पक्षी क्या होता है, पैदा होता है. ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जो क्रो, पीजन, इन सब के नेस्ट में क्या होते हैं, अंडे होते हैं, और ये अपने अंडों को क्या करते हैं, सेते हैं. इसके बाद इसमें से एक क्रो पैदा होता है, अगर क्रो का एग है तो, अगर बर्ड का, अगर किसी चिड़िया का है तो चिड़िया के बच्चे होते हैं. ठीक है, तो इसे ये लोग क्या करते हैं, सेने का काम करते हैं, और इसमें से क्या होते हैं, एक बर्ड, एक बर्ड, एक पक्षी, यानी एक चिड़िया, एक कौवा बाहर आते हैं. ठीक है, देखिए एग्जांपल में, देखिए यहाँ पे एग्स है, ये इसको क्या कर रही है, से रही है. फिर देखिए यहाँ पर ये अंडे थोड़े से क्या हुआ है, कुछ टाइमिंग के बाद, एक लिमिट होती है इसकी, उसके बाद ये देखिए ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, फिर इसमें से ये बच्चा निकलता है, फिर ये बड़ा होके अपने पेरेंट्स की तरह हो जाता है. लाइक एज, देखिए यंग वंस केम आउट फ्रॉम एग्स, देखिए अंडों में से क्या निकला, इसी की तरह एक बच्चा निकला. ठीक है, लाइक बर्ड्स, जैसे पक्षी, ऑल अदर लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू दियर यंग, यानी जैसे कौवे और पिजन का एग्जाम्पल दिया गया, उसी तरह जितने भी और भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं. ऑल अदर लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू दियर यंग, यानी वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, इसके अलावा, पक्षियों के अलावा भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. यू मस्ट हैव सीन द किटन्स ऑफ कैट, आपने देखा होगा, किटन्स मीन्स बिल्ली का बच्चा, आपने बिल्ली के बच्चों को देखा होगा. और फिर एंड पप ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते के बच्चे को भी आपने देखा होगा. यंग रिसेम्बल दियर पेरेंट्स, यानी ये अपने माता पिता की तरह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जैसे इनके माता पिता होते हैं, वैसे जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये भी बड़े होकर अपने माता पिता की तरह बन जाते हैं. ठीक, वैसे ही बन जाते हैं, तब ये चाइल्ड नहीं रह जाते, बच्चे नहीं रह जाते. किटन कन्वर्ट किस में हो जाती है, कैट में, और जो पपी होता है वो बड़ा होकर कन्वर्ट हो जाता है डॉग में, यानी वो अपने पापा की तरह बन जाता है, अपने पेरेंट्स की तरह वे बड़े होने के बाद बन जाते हैं. इवन प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, जबकि पौधे भी क्या होते हैं, जबकि पौधे भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है, संतानों के रूप में जन्म देना. ठीक है, जैसे बच्चे लिविंग थिंग्स जन्म देते हैं, उसी तरह पौधों का भी ऐसा प्रोसेस होता है कि ये भी जन्म देते हैं. ठीक है, दे प्रोड्यूस सीड, ये क्या करते हैं, बीजों को जन्म देते हैं. विच फ्रॉम न्यू प्लांट्स, नए पौधों में से ये बीजों को जन्म देते हैं. मोस्ट ऑफ प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीड से, देखिए यहाँ सीड है, ये सीड में से देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्या निकली है, रूट निकली हुई है, फिर रूट के बाद देखिए धीरे धीरे ग्रोथ होता गया, अब यहाँ पर देखिए पेड़ में थोड़े से छोटे से प्लांट में ये कन्वर्ट हो गया, यानी एक छोटा सा पौधा बन गया. तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों से बनते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बनने के बाद बीज उत्पन्न करते हैं. ठीक है, दे प्रोड्यूस सीड विच फ्रॉम न्यू प्लांट, वे नए पौधों से क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं. और कुछ पौधे होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड, और कुछ पौधे क्या होते हैं, बीजों से बनते हैं. ठीक, बट हैव यू एवर सीन
क्या आपने कहीं देखा है? लेकिन हैव यू एवर सीन, क्या आपने कहीं देखा है? अ चेयर प्रोड्यूसिंग चेयर, एक चेयर यानी एक कुर्सी एक कुर्सी को बनाती है। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि एक कुर्सी भी एक कुर्सी को पैदा करती है, ऐसा तो नहीं देखा होगा। नो नहीं, दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि चेयर से चेयर इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी प्रजनन नहीं करती यानी संतान पैदा नहीं करती। ओके, यानी ये किसी को कभी पैदा नहीं करती, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब देखिए आपकी टॉपिक क्या है। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक, यानी देखिए क्या सेंसिटिव क्यों होती है, ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं यानी जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए होती हैं, इतनी ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव यानी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। दे ऑल एक्सपीरियंस प्लीजर, दे ऑल एक्सपीरियंस प्लीजर एंड पेन, यानी कि उनके पास सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि दे ऑल एक्सपीरियंस, उनके पास उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है जैसे कि खुशी का, दर्द का, पेन मतलब दर्द, खुशियों का और दर्द का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अ मैन लॉफ्ट्स इन हैप्पीनेस, यानी एक व्यक्ति एक आदमी क्या करता है, हंसता है, कब हंसता है, जब वो बहुत खुश होता है, इन हैप्पीनेस यानी खुशी में, खुशी में वो बहुत हंसता है। ठीक, एंड क्राइज इन डिस्ट्रेस, और क्राइज मतलब बहुत रोता है, देखिए हंस रहा है ना मैन, ये बहुत खुश है इसलिए हंस रहा है, और ये क्या है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत अपसेट है, नर्वस है, इसलिए क्या है, बहुत डिस्ट्रेस में है। ठीक, जैसे कोई किसी को डांट देता है तो हम लोग बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं, ठीक, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों का, जो लिविंग थिंग्स होती है, इन सब चीज़ों का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो रोते हैं, जब वो खुश होते हैं तो वो हंसते हैं। अब देखिए, अ डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते क्या होते हैं, अ डॉग बार्क्स मतलब होता है भौंकना, एट स्ट्रेंजर, एट मीन्स पर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, एक कुत्ता जब किसी अजनबी को देखता है यानी जब उसे नहीं जानता होता है तो जिसको देखते ही क्या करता है, भौंकने लगता है। ठीक है, उसको देखते ही वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। एंड द सेम डॉग वैक्स हिज टेल, और जो उसी तरह एक दूसरा एक सेम कुत्ता होता है वो क्या होता है, वैक्स हिज टेल, वैक्स मतलब हिलाना, हिज मतलब उसकी अपनी, ठीक है, टेल मतलब पूछ, वो अपनी पूछों को क्या करने लगता है, हिलाने लगता है। द सेम डॉग वैक्स हिज टेल, अपनी पूछों को क्या करने लगता है, हिलाने लगता है, कब, इन फ्रंट ऑफ हिज मास्टर, जब उसका मास्टर उसके सामने होता है तो वो उसको देखकर क्या होता है, पहचान जाता है, तो वो अपनी पूछों को क्या करने लगता है, हिलाने लगता है, और जब किसी अजनबी को देखता है तो वो क्या करता है, भौंकने लगता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर रिपेल्ड बाई हॉट ऑब्जेक्ट, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट यानी किसी भी गर्म वस्तु, किसी भी गर्म चीज़ों को जब वो छूती हैं, जैसे हम गर्म तवे को छूएं या गर्म गैस को छू लें, ठीक है, तो हमें क्या होता है, एक झटका सा लगता है। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको छुआ, इसने इसको छुआ, एक झटका सा लगा और ये पीछे हट गया, इसका हाथ देखिए क्या हुआ, पीछे हट गया,
ओके, इसने अपना हाथ क्या किया, पीछे हटा लिया। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक, यानी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, ठीक। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म वस्तुओं को जब वो छूती हैं तो वो क्या होती हैं, उससे कई कुछ दूर हट जाती हैं, ठीक। देखिए, टच किया और कुछ दूर हट गया। इट इज़ सैड दैट इवन प्लांट फील प्लीजर एंड पेन। जब पौधे क्या होते हैं, खुशियाँ और दर्द महसूस करते हैं, ठीक। अब जब ये तो लिविंग थिंग्स की बात होगी, अब यहाँ पौधों की बात हो रही है कि जब वो खुशी या फिर कोई दर्द को महसूस करते हैं, ठीक। तो क्या कहा जाता है, नोटेड इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस। जेसी बोस एक इंडियन यानी भारतीय क्या है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस हैं। इवन प्रूव्ड इट, इन्होंने क्या किया, प्रूव किया, ठीक। इन्होंने प्रूव करके बताया कि इनमें फीलिंग्स क्या होती है, पौधों में कैसी फीलिंग्स होती हैं, ठीक, वो कैसा महसूस करते हैं। ही डिवाइज्ड एन इंस्ट्रूमेंट विच शोव्ड द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स। ही डिवाइज्ड, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा उपकरण तैयार किया, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, विच शो द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट। उन्होंने क्या किया, जेसी बोस ने एक ऐसे उपकरण को तैयार किया, बनाया, जो हमारे पौधे की हर सेंसिटिविटी को, यानी वो क्या महसूस करता है, उसको टच करने पे क्या होता है, ये उन्होंने क्या किया, प्रूव करके दिखाया। एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे पता चला कि हाँ, पौधों में भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो भी कुछ महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट, यानी टच मी नॉट का मतलब मुझे छूना नहीं, ठीक है, मुझे छूना नहीं। प्लांट क्लियरली सपोर्ट द व्यू दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव। द एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लियरली सपोर्ट द व्यू दैट प्लांट आर सेंसिटिव। यानी ये एक ऐसा पौधा है, कहता है कि मुझे छूना नहीं। वेन वी टच इट, जब हम इसे टच करते हैं, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, क्लोज डाउन, वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। दे रीओपन आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, वो कुछ समय के बाद ही खुलती हैं, ठीक। जब हम उसे टच करते हैं तो वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, और कुछ समय के बाद ही वो उसे वो ओपन होती हैं। देखिए, इसने इसे टच किया तो ये पूरी क्या हुई, बंद हो गई, कुछ टाइम के बाद ही ये क्या होंगी, ओपन होंगी। इसे हम छुई मुई का पौधा कहते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा, और इसे हम लाजवंती छुई मुई भी कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, पैदा होती हैं, दे लीव एंड दे डाई। वो पैदा होती हैं और जीती हैं, और फिर एक वक्त आता है वो मर जाती हैं, ठीक। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, पैदा होती हैं, दे डेवलप ग्रेजुअली एंड बिकम मैच्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे डेवलप ग्रेजुअली, यानी वो क्या होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जैसे ये छोटा बच्चा है एग्जाम्पल में, ये जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना बड़ा हुआ, इससे थोड़ा बड़ा हुआ तो मैन हुआ, इससे बड़ा हुआ तो ओल्ड मैन हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा प्लांट है छोटा, देखिए एक प्लांट है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये ट्री में कन्वर्ट हुआ, लास्ट टाइम में ये क्या हुआ, पूरा सूख गया, ठीक। ये भी लास्ट टाइम में क्या होता है, एक वक्त आता है ये भी मर जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, दे बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 बढ़ते हैं, और कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। वो कुछ समय के बाद क्या होते हैं, दे बिकम ओल्ड, वो बूढ़े हो जाते हैं, और फाइनली अंत में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, पॉइंट ऑफ रिमेम्बर, इसे आप पूरा रीड कीजिएगा। ये मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है उसकी ये शॉर्ट पॉइंट है, इन शॉर्ट में आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, यानी जो चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। थिंग्स एग्जिस्टिंग इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग, जो चीज़ें प्रकृति में है उसे हम प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। थिंग्स विच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई जीवन नहीं होता उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती हैं, जीवन होता है, उसे लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीज़ें कहते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स इटीसी आर लिविंग थिंग्स, पक्षी, जानवर, कीड़े, पौधे, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर, जो हमारे जीवित चीज़ें हैं उन सबकी ये सारी विशेषताएँ हैं। देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जो जीवित चीज़ें होती हैं उन्हें भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, प्रजनन करती हैं। लिविंग थिंग्स एज एंड फाइनली डाई, लिविंग थिंग्स की एक एज होती है और अंत में वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं, बढ़ती हैं आगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जीवित चीज़ें क्या करती हैं, सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उनमें फीलिंग होती है, वो हर चीज़ें फील कर सकती हैं। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका वो जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो कराई जाएंगी।